गणित में भारत का आदिकाल से ही दबदबा है जो आज तक जारी है। गणित के सबसे बड़े अंक शून्य की खोज भारत में हुई थी। इसके अलावा संख्या, स्थानीयमान, अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित, कैलकुलस आदि का प्रारंभिक कार्य भारत में संपन्न हुआ। यहाँ पर आर्यभट्ट से लेकर श्रीनिवास रामानुजन, शकुंतला देवी, सी आर राव, सी एस शेषाद्री जैसे महागणितज्ञ पैदा हुए थे और गणित के मानदंडों की चुनौती देने के साथ नई खोज भी की। इनमें से एक थे राजा चंद्र बसु। इन्होंने 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध गणितज्ञ लियोनार्ड ओइलर द्वारा साल 1782 में गणित की उस अनोखी पहेली को सुलझाया था जिसे खुद ओइलर भी नहीं ढूंढ पाए थे। राजा चंद्र बसु ने अपने शिष्य शरद चंद्र शंकर श्रीखंडे के साथ मिलकर इस पहेली को 177 साल बाद हल किया था। उनकी इस उपलब्धि को न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर छापा था। राजा चंद्र बोस भारतीय अमरीकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद थे। वे डिजाइन सिद्धांत तथा थियोरी ऑफ एरर करेक्टिंग कोर्स के लिए काफी प्रसिद्ध थे। राजचंद्र बोस का जन्म 19 जून 1901 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता प्रताप चंद्र हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में वरिष्ठ चिकित्सक थे। पिता की नौकरी के कारण राजचंद्र बोस भी कुछ समय बाद रोहतक चले गए और यही उन्होंने अपना बचपन बिताया। बचपन से ही उन्हें गणित के प्रति काफी गहरा लगाव था और गणित के कठिन सवाल उन्हें आकर्षित किया करते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रोहतक में ही प्राप्त की। स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज में प्रवेश लिया और 1925 में एप्लाइड गणित में एमए की स्नातकोत्तर उपाधि भी प्राप्त की। इसके बाद राजचंद्र बोस ने गणित शिक्षक के रूप में भी कार्य किया और कई विद्यार्थियों को गणित की व्यावहारिकता से परिचित कराया। इसी बीच वह कलकत्ता गए जहाँ उनकी मुलाकात विख्यात गणितज्ञ श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। उन्होंने मुखर्जी के पास रहकर ही गणित की कई किताबों का गहन अध्ययन किया और उन्होंने 1927 में शुद्ध गणित में भी स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। एमए करने के बाद उन्होंने कई संस्थाओं व विश्वविद्यालयों में रोजगार की तलाश की किंतु उन्हें कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। नौकरी की खोज में समय को व्यर्थ करना उन्हें रास नहीं आया और राजचंद्र बोस इस बार रेखा गणित के अध्ययन में लग गए। उन्होंने अपना करियर 1930 में कोलकाता के आशुतोष कॉलेज से प्रारंभ किया और वह 1934 तक वहां गणित के लेक्चरर के रूप में कार्य शुरू किया। इसके बाद वे भारतीय सांख्यिकी संस्थान में ज्यामिति के प्रोफेसर लग गए। बोस ने 1934 से लेकर 1938 तक यहाँ सांख्यिकीविद के रूप में भी कार्य किया। बोस ने यहाँ ज्यामिति पढ़ाते पढ़ाते ही सांख्यिकी का भी अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया। बाद में उन्होंने 1938 से लेकर 1945 तक कोलकाता विश्वविद्यालय में लेक्चरर के रूप में भी कार्य किया। 1945 में उन्हें इसी विश्वविद्यालय में सांख्यिकी विभाग का अध्ययन बना दिया गया और वह 1949 तक इसी पद पर बने रहे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में कार्य करने के बाद वह 1949 में अमेरिका चले गए। उन्हें उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिल गई। 1966 में वह कैनन प्रोफेसर के रूप में भी नियुक्त हुए और 1971 तक यह कार्य करते रहे। यहाँ कार्य करने के बाद बोस कैलोराडा विश्वविद्यालय में सांख्यिकी व गणित के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य करने लगे। अध्यापन कार्य के साथ साथ वह निरंतर नए शोध कार्य व खोजों के लिए भी अपना समय निकालते थे। अपने शोध कार्यों के दौरान ही उन्होंने स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ लियोनार्ड यूलर के जादुई वर्ग के सिद्धांत को गलत साबित किया किंतु उनके शोध कार्यों का दायरा मात्र गणित या सांख्यिकी तक सीमित नहीं था। वर्ष 1980 में उन्हें गणित व सांख्यिकी का एमेरिट्स प्रोफेसर बना दिया गया जो उनके लिए सम्मान की बात थी। उन्होंने अपने शोध कार्यों को दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में भी जारी रखा। उन्होंने ग्रेसिको लैटिन स्क्वायर के लिए लैटिन व ग्रीक भाषा की बजाय देवनागरी भाषा के कोड में रूप में प्रयोग का सुझाव दिया। साथ ही इन कोडों का समाजशास्त्र, मेडिसिन, जीव विज्ञान, कृषि व अन्य संबंधित विज्ञानों से संबंधित
प्रयोगों में भी उपयोग करने का सुझाव दिया। राजचंद्र बोस को 1971 से 1980 की अवधि में कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर उल्लेखनीय कार्य किया, जिसके लिए उन्हें 1976 में अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार नेशनल मेडल ऑफ साइंस से भी सम्मानित किया गया। साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका की साइंस एकेडमी का सदस्य भी मानोतित किया गया। वर्ष 1974 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने इन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि और पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन द्वारा उन्हें डी लिट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। वहीं विज्ञान जगत में आरसी बोस को उनके सेवा कार्य को देखते हुए विश्व के कई संस्थानों ने उन्हें अपनी फेलोशिप तथा सदस्यता प्रदान की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।